स्वः तत्सवितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्भकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीहवामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल पांच प्रदेश का यह स्वदेशी अभियान का एक पूरा संगम हो रहा है। इसके लिए सब भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। समस्त सहोदर सहोदरी ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। अभी मैंने पूछा कि इधर क्या, कौन सी भाषा में बात करें। इधर हिंदी भी समझते हैं, कर्नाटक वाले कन्नड़, तमिलनाडु वाले तमिल, फिर केरला वाले मलयालम, फिर आंध्र प्रदेश वाले और तेलंगाना वाले तेलुगु। ये बड़ा एक लंबा चौड़ा विषय हो गया, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में बात करेंगे, आज खिचड़ी हो जाएगी। मुझे ये कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि पतंजलि इंस्टीट्यूशन के प्रति, पतंजलि इज नॉट ओनली ए फूड और कॉस्मेटिक ब्रांड, पतंजलि इनसेल्फ इज ए इंस्टीट्यूशन। पतंजलि इज ए मिशन, पतंजलि इज ए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, पतंजलि इज नॉट ए कॉर्पोरेट हाउस। एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए ब्रांड, जितना मिडल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, ऑल ओवर इंडिया पतंजलि इंस्टीट्यूशन के प्रति और पतंजलि ब्रांड के प्रति सबका एक बहुत बड़ा गौरव है। यह हमें आप सबके बीच में कहते हुए भी गौरव अनुभव हो रहा है। कुछ ब्रांड होते हैं, दिस इज ए साउथ इंडियन ब्रांड, दिस इज ए नॉर्थ इंडियन ब्रांड, दिस इज ए स्टेट ब्रांड, बट नाउ पतंजलि इज नॉट ओनली ए नेशनल ब्रांड, नाउ पतंजलि इज ए इंटरनेशनल ब्रांड एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। This is pride for us. And what is the ultimate goal of Patanjali? Profit gain, this is not our ultimate goal. Prosperity earning, this is not our ultimate goal. Prosperity for all, service for all, this is our goal. Prosperity for all, service for all. And if you are talking about business, the right definition of divine business, this is inclusive, sustainable, decentralized,
एंड जस्टिसफुल डिवाइन ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. दिस इज बिजनेस. This is the right definition of business. आप लोग अंग्रेजी तो थोड़ा बहुत पढ़ी लिख लिया हो मेरी तरह से. मैं तो बिना अंग्रेजी पढ़ा लिखा हूं. मैं तो संस्कृत पढ़ा हुआ हूं. आप सबको संस्कृत तो आनी चाहिए. अभी लोग कहीं पर कोई समझ में कुछ ना आए तो अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं. लेकिन हमारा मूल बेसिक आइडेंटिटी क्या है? इंग्लिश इज नॉट आवर बेसिक लैंग्वेज. आवर बेसिक लैंग्वेज इज संस्कृत. यदि हम संस्कृतम वदामि चेत किंचित तो भवन्तः अवगच्छन्ति. अहम पृच्छामि कियन्तः तत्र भवन्तः कियन्तः मने हाउ मनी भवन्तः ऑल ऑफ यू तत्र कियन्तः भवन्तः संस्कृतम अवगच्छन्ति. दैट हाउ मनी पर्सन नोज अबाउट संस्कृत. कियन्तः जना भवन्तः संस्कृतम अवगच्छन्ति. हस्तम उत्थापयन्तु. गड़बड़ घोटाला. संस्कृतम न जानन्ति. संस्कृतम तो जानीयादेव. अत्र भवन्तः वेदं पठन्ति मंदिरे गच्छन्ति तत्र अस्माकं प्रेयर संस्कृत भाषायां भवति अथवा आंग्ल भाषायां. अस्माकं देवता पूजनम संस्कृत श्लोके भवति वेद मंत्रेण भवति अथवा इंग्लिश प्रेयर वेद मंत्रेण भगवतः पूजनम कुर्मः. तो जब भगवान का पूजन संस्कृत में करते हो तो थोड़ी संस्कृत तो आना चाहिए. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट बिजनेस. व्हाट इज द बिजनेस? इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज, जस्टिसफुल. इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज, जस्टिसफुल, divine growth. This is the right definition of wealth, business and development. कुछ भी बोल दो उसको समृद्धि बोल सकते हैं. समग्र, स्थायी, विकेंद्रित, न्यायपूर्ण, अहिंसक, सात्विक, दिव्य समृद्धि. यह है राइट बिजनेस. यदि संस्कृतम वदामि संस्कृत भी ऐसी है. यस्मिन् समग्र, व्यापक, विकेंद्रित, न्यायपूर्ण, सात्विक समृद्धि भवति तद् व्यापारम् इति उच्यते. इतना तो संस्कृत आ गया. इतना तो आया. आया तो बोलो तो. हाँ तो बोल सकते हो. हाँ बोल सकते हो. यस बोल सकते हो. हाँ को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में क्या बोलते हैं? हाँ ही बोलते हैं कि हो बोलते हैं कि हाउ डू. तो अभी मेरे को इतना तो हो गया. कोई दूसरा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में बात करता है तो मैं करीब करीब 80-90% समझने लग गया. मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, नहीं तो मेरा मन था मैं सारी भाषाएं बोलने लग जाऊं. जैसे मराठी मेरे को करीब 99% समझ में आता है. गुजराती तो मेरे को 100% समझ में आता है और मैं बहुत फ्रेंकुलेंटली बोलता भी हूँ. नेपाली के मेरे को 100% समझ में आता है. मेरे को करीब करीब 15 भाषाएं समझ में आती हैं और करीब 5 भाषाओं में मैं बात कर सकता हूँ. तो हमको आपस की बात तो समझ में आनी चाहिए. तो पतंजलि नाउ ग्रोइंग वेरी फास्ट. आवर स्पीड इज 100 to 200 एंड दिस ईयर आवर स्पीड इज 100% ग्रोथ. नेक्स्ट ईयर आवर ग्रोथ रेट विल बी 200%.
एंड विद इन 3 years अवर ग्रोथ विल बी 300 to 500%. 300 to 500. Now we have done 5,000 crore. In this year, our plan is 10,000 crore. Next year, our plan is 3,000 crore. Within three years, our plan is above 50,000. And within 5 years, our plan is 1 lakh crore. This is our 5 years plan. 1 lakh crore. So Patanjali is not an easy brand. This is not a normal brand. And our growth is not normal growth. In FMCG market, now growth rate is 3 to 5%. And maximum companies growth now going down. They are in degrowth. Abhi to degrowth ho raha hai. Colgate degrowth ho raha hai. Abhi Nestle degrowth ho raha hai. Now P&G degrowth ho raha hai. Abhi Unilever ka bhi liver kharab ho raha hai. And this is not so easy, but trust in Patanjali. सबके मन में एक भरोसा है. एवरी पर्सन, उसका हर एक के मन में एक इमोशन है, एक परसेप्शन है, एक फेथ है, एक लॉयल्टी है. पतंजलि इज ए प्योर ब्रांड. दे आर बाइंग पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स, दे आर फीलिंग पतंजलि आटा इज प्योर, पतंजलि कैचअप इज प्योर, Patanjali Chyawanprash is 100% pure. Patanjali honey is 100% pure. This is the faith and this is reality. This is 100% loyal product. So many brands are here all over India. But they are feeling Babaji or Patanjali ka koi brand hai. Pehle to log Babaji ko jante the. बाबा रामदेव, एवरी पर्सन नोज बाबा रामदेव. बट नाउ हमने एक साल के अंदर ये करके दिखा दिया, इस देश के 125 करोड़ लोग बाबा रामदेव को भी जानते हैं और पतंजलि को भी जानते हैं. दे नो बाबा रामदेव एंड द पतंजलि ब्रांड. दिस इज बिग अचीवमेंट एंड अवर हिस्ट्री, अवर ग्रोथ हिस्ट्री इज वेरी इंस्पायरिंग. Like our honey growth is 200%, 300%. Now, अभी हम कच्ची घानी सरसों तेल करते थे. साउथ इंडिया में यद्यपि लोग सरसों तेल ज़्यादा नहीं खाते थे, फिर भी इधर भी सरसों तेल खाने लग गए लोग थोड़ा थोड़ा. अभी हम लोग दिसंबर मंथ के अंत तक एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया, साउथ में भी, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, हर जगह कच्ची घानी सरसों के तेल के बाद अब फिजिकल रिफाइंड ऑयल ये भी पूरे देश में लॉन्च कर रहे हैं. फिजिकल रिफाइंड ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल. और तिल तेल को क्या बोलते हैं? एल्डू भी आ जाएगा. तिल तेल, तैल, व्हाट इज द राइट वर्ड इन अवर इंडियन लैंग्वेजेस? तैलम. तो व्हाट इज तैलम? तेले भावे तैलम. यहां तिले विद्यते तैलम, तिलम तिले तैलम, तिल. What is the right meaning of tailam? Tailam, tailam, tilam. So, tili right,
अभी नॉर्थ इंडिया में लोग तिल तेल नहीं खाते थे, मैं आपको गारंटी देता हूं हम नॉर्थ इंडिया के लोगों को भी तिल तेल खाना सिखाएंगे, हम भी खाएंगे औरों को भी सिखाएंगे। अभी नॉर्थ इंडिया में तिल तेल का मालिश करते थे, ऐसे मसाज आयुर्वेदिक मेडिसिन में तिल तेल यूज करते थे। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट, बहुत जल्दी इस महीने के अंत तक सेवन ऑयल्स एवरीवेयर उपलब्ध हो जाएंगे और फिजिकल रिफाइंड ऑयल, जो केमिकली रिफाइंड होता है, दिस इज वेरी डेंजर, केमिकल रिफाइंड ऑयल इज वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी, उससे कैटरेक होता है, केमिकल रिफाइंड ऑयल इंक्रीजिंग कैटरेक, दिस इज बैड फॉर आवर नर्वस सिस्टम, उसमें फ्री रेडिकल्स तैयार हो जाते हैं, SLMS ऑटोमन डिजीज इसे इंक्रीज होता है, दिस इज द फिजिकल द केमिकल रिफाइंड ऑयल, दिस इज ए कोज ऑफ कैंसर, दिस इज वेरी डेंजरस, बट पीपल आर यूजिंग, दे नो दैट रिफाइंड ऑयल इज गुड, बट नाउ अभी पूरे वर्ल्ड में एक नया अवेयरनेस चल रहा है, तो अभी आपको फिजिकल रिफाइंड ऑयल भी मिलेगा और बहुत जल्दी ही आफ्टर घी एंड आफ्टर मिल्क पाउडर नाउ वी आर लॉन्चिंग ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स विद इन सम मंथ्स, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हाइट मिल्क, पनीर, चीज, बटर, एवरीथिंग वी आर लॉन्चिंग वेरी सोन, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अभी बहुत जल्दी आपको फ्रोजन मटर, फ्रोजन कॉर्न, ये भी सब फ्रोजन जो होगा वो भी मिलेगा। अभी एनर्जी बार तो मिल ही गया, अभी एनर्जी बार के बाद में मिल्क बार भी मिलने वाला है, वो भी और छोटे पैकिंग में, तो बहुत चीज़ें नई भी कर रहे हैं। टेक्सटाइल में आप लोगों को ये मेगा स्टोर में नहीं आएगा, अभी बहुत जल्दी टेक्सटाइल भी आएगा, और टेक्सटाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि टेक्सटाइल का पूरा मार्केट अलग है और बहुत सी चीज़ें और भी करने वाले हैं। पतंजलि की तरफ तो अभी रोज़ कुछ भी पतंजलि करेगा, लोगों का फेथ है कि वो अच्छा ही होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो पतंजलि इज ए इंस्टीट्यूशन, अवर बेसिक फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, सो आई टोल्ड दैट पतंजलि इज नॉट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नॉट ए कॉर्पोरेट हाउस, पतंजलि इज बेसिकली ए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज अवर आइडेंटिटी एंड दिस इज अवर सोल, योग एंड स्पिरिचुअलिटी दिस इज अवर सोल, और इसके आधार पर हमको आगे काम करना है। साउथ इंडिया में थोड़ा हमको लैंग्वेज का स्टार्टिंग में वो हमको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, अब हमारा श्रीराम है वो तो साउथ इंडियन ही है ना, तो हमारा आर्यम है, हमारा मनोज है ये साउथ इंडियन है, अभी तो हमने इसको पूछा भी नहीं, श्रीराम तुम्हारा जन्म किधर का है, ये बेंगलोर का ही है, और तुम्हारा मनोज ये केरला का है, तो हमारा तो सारा टीम तो इधर का साउथ इंडियन ही है ना, और प्राचीन काल में भी तो क्या हुआ था, साउथ इंडिया का आदि शंकराचार्य उसको नॉर्थ इंडिया ने भगवान की तरह पूजा किया तो गुरु का पूरा भूमि गुरु का भूमि है, ऋषियों का भूमि है, तो हमारे सारे हमारे दोनों ही आरएम्स भाई श्रीराम जी और मनोज जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एक बार दोनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, और हमारे सारे जेडएम्स रघु खड़े हो जाएंगे, ये रघु भी बहुत अच्छा काम करता है, इस लड़के के लिए बहुत बहुत ताली बजाओ, विशाल जी भी हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, किधर है विशाल, जोरदार इसके लिए भी ताली बजाओ, और भाई राजेश जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको केरला और तमिलनाडु दिया हुआ है, इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो दे आर नो योर लैंग्वेज योर ट्रेडिशन आई नो, बट मैं तो पूरा इंडिया में घूमता हूँ, पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ, और मेरा जितना लव एंड कंपैशन नॉर्थ इंडिया के लिए है,
ईस्ट वेस्ट इंडिया के लिए है, उससे कहीं कम नहीं, उससे कहीं ज्यादा ही आपके साउथ इंडिया के लिए भी है। सो ये कोई लैंग्वेज इज नॉट ए बाउंड्री, दिस इज नॉट ए बैरियर। लैंग्वेज, रिलीजन्स, कास्ट, कम्युनिटी, स्टेट्स, दीज आर नॉट बैरियर्स फॉर अस। ये तो हम कब के पार कर चुके हैं। हमारे सारे जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी हमारे एसडी हैं, सीएनएफ हैं, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी आपको बहुत लंबी ऊंची उड़ान भरनी है, नॉर्थ इंडिया से भी आगे साउथ इंडिया को जाना है, आपको बहुत करके दिखाना है। और हम चाहते हैं, नॉर्थ इंडिया में अभी बहुत से बड़े बड़े यूनिट्स लग रहे हैं, अभी 20,000 से 25,000 करोड़ का प्रोडक्शन प्लान किया है नॉर्थ ईस्ट में, तेजपुर इन आसाम। कितना प्रोडक्शन प्लान किया है? 20,000 करोड़ रुपए। कितना? 20,000 करोड़। 20 माने 20। 20,000 करोड़ रुपए का प्लान कहां किया? अरे जोर से तो बोलो, आसाम, तेजपुर, तेजपुर इन आसाम। अभी 20,000 करोड़ का शिलान्यास किया है नोएडा इन उत्तर प्रदेश, नियर एनसीआर दिल्ली। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर तो आ जाता है ना, आप लोग फेसबुक से जुड़े को नहीं जुड़े बोलो? आप मुझे लाइक करते हो ना, हिंदी में दो शब्द होता है, एक लाइक और एक नालाइक। तो मैं नालाइक तो नहीं हूं, तो लाइक करो सब, फेसबुक और ट्विटर पर जुड़े रहा करो, ये सबके लिए कंपलसरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, कुछ भी लोग गलतफहमी फैलाते रहते हैं। हमारे शत्रु भी अभी तो कमजोर पड़ गए बेचारे, पहले बड़े स्ट्रांग थे। जब हमारे शत्रु स्ट्रांग थे तब भी हम कमजोर नहीं थे, और अब तो हमारा शत्रु बेचारा बहुत दुखी है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान इसका जल्दी मोक्ष कर दो। भगवान राम ने भी रावण का मोक्ष किया ना, भगवान कृष्ण ने तमाम कंस जरासंध का मोक्ष किया। तो फेसबुक, ट्विटर, इस पर सब जुड़ो। तो ए बिग प्रोग्राम इन लखनऊ एंड 400 एकड़ जमीन पर, बहुत बड़ा लैंड है, नियर टू दिल्ली, विद इन 1 आवर यू कैन गो टू आवर ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट। दिस इज वेरी बिग प्रोजेक्ट। पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं हुआ है जितना नोएडा में होने वाला है। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये। फर्स्ट इन कंप्लीट होगा तेजपुर में, क्योंकि मार्च महीने तक हम वो कंप्लीट करना है, उससे अपने को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट होगा नागपुर में, नागपुर में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है तो पूरे इंडिया में वहां से सर्विस करना इजी रहता है। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है नोएडा। चौथा बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है मध्य प्रदेश में, इंदौर में शुरू कर रहे हैं, आगे भी और मुख्यमंत्री जी और जगह देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं ये 4 बड़े प्रोजेक्ट तो हो गए, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड मिडल। अब मैं चाहता हूं अगला बिग प्रोजेक्ट हमारा साउथ इंडिया में होना चाहिए, साउथ इंडिया में होना चाहिए। और उसका हमने एक जगह तो तैयारी भी कर लिया है, 200 एकड़ जमीन हमने बाय कर लिया है नायडू पेटा के अंदर। नायडू पेटा, नायडू पेटा में ताली बजाया आंध्र प्रदेश वालों ने, तेलंगाना वाला भी बजा लो, आंध्रा वाला। ए देखो, एक प्रोजेक्ट तो एक ही जगह लगाना पड़ता है, फिर 2 जगह लगाएंगे। हम तो चाहते हैं, मैंने कहा ना, बिजनेस इज नॉट अवर गोल, आई हैव नो सिंगल पेनी मनी, आई हैव नो मनी, आई हैव नो लैंड, आई हैव नो पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, आई हैव नो बैंक अकाउंट, आई हैव नो ब्लैक मनी एंड नो व्हाइट मनी, नो ब्लैक नो व्हाइट, एवरीथिंग इज डिवाइन। तो क्या है, लोग
बोले नोटबंदी से मंदी आ गया। बहुत लोग रिसेशन रिसेशन हो बोलता है, क्या है रिसेशन? आप अपना जितना भी चिकित्सालय है 100% सब वो लगाओ, कार्ड मशीन लगाओ। कितने चिकित्सालय पर कार्ड मशीन है, हाथ उठाओ, क्या बात है, इनके लिए ताली बजाओ। और कितने चिकित्सालय पर कार्ड मशीन नहीं है वो भी हाथ उठाओ, इनके लिए ताली बजाओ, ये जल्दी लगा ले। सब कार्ड मशीन लगाओ। अच्छा ईमानदारी से बोलना, जिनका सेल ग्रोथ हुआ आफ्टर नोटबंदी करेंसी रिकॉल, जिनका सेल बढ़ा ग्रोथ हुआ सेल, वो हाथ उठाना है। अरे क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। आफ्टर करेंसी रिकॉल ये करीब हमारे 30-40 ऐसे लोग हैं, इसमें चिकित्सालयों का कितने का सेल बढ़ा, चिकित्सालय का सेल बढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटर का कितने का सेल बढ़ा, ये डिस्ट्रीब्यूटर का हाथ तो उठाओ जोर से, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, ये भी जोरदार काम है, ये तो बहुत है। अच्छा जिनका सेल 10% घटा वो परेशान मत हो, 10% इज ए नॉर्मल थिंग, दिस इज नॉट